और मेरे हाथ पूरे खुले हुए हैं। इवन देन हमारा जो फ्रेम है वो पूरा का पूरा यहां पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये है ऑलमोस्ट 160 इंची का टीवी। और हेलो, क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है ज़िब्रोनिक्स की तरफ से, दिस इज द ज़ेब पिक्सा प्ले 22 और ये होने वाला है भाई फुल HD प्रोजेक्टर। अगर मैं बात करूं तो भाई आज की डेट में बड़ी बड़ी स्क्रीन का मजा सबको आता है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरे हाथ पूरे ऐसे थे, अभी मैं फ्रेम में नहीं आ रहा भाई। वो स्क्रीन इतनी बड़ी थी कि मैं पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा था भाई। ऑलमोस्ट 160 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के थ्रू मिल जाता है। तो कैसे प्रोजेक्टर है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, कैसी क्लैरिटी मिलती है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें चला सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे ज़िब्रोनिक्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर की लुक आने वाली है कुछ इस तरीके की। हमें साथ में यहाँ पे रिमोट भी मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्राइटनेस की तो 3200 लुमेंस की ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है। 1080p फुल HD का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो प्ले स्टोर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक फोकस आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड 406 सेंटीमीटर का स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो हमारा जो प्रोजेक्टर है उसकी लुक आने वाली है कुछ ऐसी सी। काफी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्टर है, एकदम राउंड फैब्रिक ऊपर लगा रखा है एंड नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पे अटैच करने के लिए, अगर आप इसको स्टैंड वगैरह पे खड़ा करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया। इधर हमारे को प्रोजेक्टर लेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको ज़िब्रोनिक्स की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। पावर ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे को यहाँ पे एक USB का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप कनेक्ट करके वीडियोस वगैरह कुछ भी प्ले करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे हेडफोन जैक मिल जाता है और हमें यहाँ पे HDMI का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सो HDMI का सपोर्ट बेसिकली आपका है कि अगर आप PC कनेक्ट करना चाहते हैं या आप कुछ और चीज़ HDMI के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं देन आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पावर अडैप्टर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, तो जस्ट प्लग एंड प्ले एंड यू आर गुड टू गो। एक्सेसरीज की बात करूँ तो भाई उसके साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पावर अडाप्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, 19 वोल्ट का है, 3.42 एम्पेयर के साथ है एंड द वायर इज प्रीटी लॉन्ग। तो गाइस, मेन होता है आपका लेंस, ये कवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब इसके ऊपर डस्ट जम जाती है, कुछ गंदा हो जाता है तो फिर आपको क्लैरिटी जो है वो नहीं मिलती है। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे जो केसिंग है वो यहाँ पे दे रखी है, जो कि आपकी हेल्प करने वाली है इस प्रोजेक्टर को कवर करने में। एंड केसिंग लगने के बाद ओके, पूरा प्रोजेक्टर ही आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। सो पूरा का पूरा प्रोजेक्टर ही आपका यहाँ पे कवर हो गया, विच इज़ प्रीटी नाइस। एंड इससे काफ़ी अच्छी सेफ्टी जो है खास करके डस्ट वगैरह से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे एक रिमोट जो है वो देखने को मिल जाता है। रिमोट में काफ़ी सारे फीचर हैं जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक हमें यहाँ पे HDMI केबल जो है वो मिल जाती है, तो अगर आप कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं HDMI के थ्रू तो आप इस केबल के थ्रू कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्लीनिंग क्लॉथ और कुछ बड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। सो ये बेसिकली आपके काम आने वाले हैं क्लीनिंग के लेंस के, और इसका इस्तेमाल आप लेंस पे अगर कुछ भी मिड डस्ट वगैरह होती है आप उस पर नॉर्मल कपड़ा मत मारिएगा, क्योंकि लेंस पे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो प्रोजेक्टर है वो हो गया है रेडी, बिल्कुल हमने कर दिया है अंधेरा एंड मेरी शक्ल भी शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होगी, बट ये प्रोजेक्टर की फील आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मैं यहाँ पे पूरा हाथ पसार के खड़ा हुआ एंड भाई आप देख सकते हो तब भी ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन जो है वो और ज्यादा बड़ी हो रही है। अगर मेरे पास इसके पीछे और जाने की जगह नहीं थी, और ज़्यादा पीछे भी जा सकती है, बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 160 इंची की स्क्रीन तक आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है ये डिस्प्ले दे देता है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लैरिटी की बात करूँ तो आप बोलोगे भैया यार इसकी क्लैरिटी तो आ नहीं रही, तो इसमें जैसे मैंने आपको रिमोट दिखाया था तो रिमोट में ऑप्शन है। ओके, सो जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें फोकसिंग का ऑप्शन है, सो इसको हम कर लेते हैं फोकस। तो ये फोकस राइट की तरफ जा रहा है और आप देखें हमारी स्क्रीन और ख़राब हो रही है, दैट मीन्स हमें जो फोकस है उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। जब ये जो फोकस वाला पार्ट है ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम, तो आप उसको वहाँ पे रोक देंगे। जैसे अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया तो हम इसको यहाँ पे रोक देंगे और आप यहाँ पे जो हमारी लुक है वो देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिमोट से ही आप जो फंक्शन है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जौन सी भी वीडियो आप यहाँ पे चलाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे इजीली चला सकते हैं। सो अभी ये ऑनलाइन हमारा जो भी चीज़ें हैं इस प्रोजेक्टर के साथ वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। लाइक आप एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर जाके इसके एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप नेटफ्लिक्स यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से कुछ और एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप प्राइम वीडियोज यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं एंड आप यूट्यूब का मजा भी जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे अपना फोन जो है, अगर आप एंड्रॉयड या iOS यूजर है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको HDMI का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप HDMI के थ्रू अगर कुछ स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर हम सेटिंग पे जाते हैं तो सेटिंग के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा भी ये वाईफाई से कनेक्टेड है, तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग देख सकते हैं, प्रोजेक्टर सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, लाइक फ्रंट डेस्कटॉप हो गया, की स्ट्रोक एडवांस, 4 पॉइंट की स्ट्रोक, मोटर फोकसिंग, तो ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गया रेयर डेस्क, ये हो गया फ्रंट डेस्क, तो आप किस तरफ से व्यूइंग एंगल है आपका उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें तो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डेट टाइम हो गया, सिस्टम अपडेट अगर कुछ आता है तो वो आपको यहाँ पे हो जाता है। एंड अबाउट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, इसका एंड्रॉयड वर्जन 9 के ऊपर आपका जो हमारा ये प्रोजेक्टर है ये चल रहा है, एंड्रॉयड 9 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे 1 GB की मेमोरी यहाँ पे मिलती है। भैया देख रहे हो 91 मिलियन व्यूज चल रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, एंड एड लगा रखी है बंदे ने, मतलब आप हालत देख लो लोगों की, 9 करोड़ व्यूज हैं इस पे और बंदे ने एड लगा रखी है इसको वीडियो को रिकमेंडेशन में पहुंचाने के लिए। नाइस यार। तो बॉर्न क्रिएटर आप देखोगे मेरी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गई, इवन मेरा यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट वाला चैनल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। सो ये आ जाता है अपना चैनल, चैनल पे चलते हैं एक बारी और जो भी लेटेस्ट वीडियो एक बारी वो चेक करते हैं। भाई वाला डांस बड़ा मस्त था। सो अगर हम यहाँ पे वीडियो की क्लैरिटी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी कुछ हद तक समझ आ रही होगी, तो इसको जितना हम दूर से देखेंगे उतना ही बढ़िया व्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे क्वालिटी में चेक करेंगे तो दैट्स 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड में हमारी जो वीडियो है चल रही है। अगर मैं इससे ज्यादा यहाँ पे चेक करूं तो मैक्सिमम आउटपुट हमें यहाँ पे 1080p 60 फ्रेम्स को मिलता है। हमारी ये जो वीडियो है दैट इज 4K, बट 4K का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक यार, क्लैरिटी कैसी लग रही है? बाकी इसकी आवाज़ की अगर मैं बात करूँ तो अभी इसकी जो साउंड आप यहाँ पे सुन रहे हैं थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रही होगी। मैं एक बारी जो माइक्रोफोन है उसको थोड़ा सा पास लेके चला जाता हूँ, इसकी वॉल्यूम एक बारी फुल करते हैं। तो वॉल्यूम चेक करो भाई, नीचे वॉल्यूम बढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से शायद अभी आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई क्लैरिटी देख रहे हो कितनी डिटेल के अंदर पूरी वीडियो आ रही है यहाँ पे। ओके गाइस, आपने यार प्रोडक्ट देखा, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? यार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी का ये लगा कि यार 1080p आपको यहाँ पे मिल रहा, अगर 4K का सपोर्ट मिल जाता तो भाई फिर तो मजा आने वाला था। बट जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास ही आपको जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है। यूजुअली 4K के आपके जो जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली 20+ 30% के आसपास ही आपको मिलते हैं। सो 10,000 to 13,000, 14,000 के बीच में अगर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द क्लैरिटी? मेरे हिसाब से क्लैरिटी वॉज डिसेंट, और खास करके भाई पिक्चर देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मुझे एक चीज़ का डाउट था कि भाई इसके साथ आपको स्पीकर लगाने पड़ेंगे, बट नहीं, अगर आप इसको फुल वॉल्यूम चलाते हो तो भाई फिर तो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड है और आपको स्पीकर की तो ज़रूरत कहीं से भी नहीं आने वाली। बाकी व्हाट डू यू गाइस थिंक, अगर आप लोग ये खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप ये जो अमेजिंग सब प्रोजेक्टर है इसको खरीद सकते हैं। इसको एक्चुअल में मैं बोलूंगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तिल दत्ते के गॉड ब्लेस, बाय बाय।